ठंड मतलब माइनस में है, माइनस 5 हो रहा है और अभी सुबह हो रही है। हम जा रहे हैं सोलांग वैली एंड मेरी भी तबीयत मतलब ठीक ठीक ही है, थोड़ा सा ऐसा वीक टाइप सा लग रहा है क्योंकि यूजुअली इतना ठंडी में रहने का आदत नहीं है, बट कोई नहीं, आई थिंक कि अभी कुछ टाइम में ठीक हो जाऊँगा मैं। और सोलांग वैली में क्या है, सोलांग वैली में है भाई भर के स्नो, तो आज अपन स्नो से खेलेंगे। और अभी हम खाएंगे ब्रेकफास्ट, डोसा या कुछ हल्का फुल्का मिल जाए तो अच्छी बात है। भाई फटी पड़ी है, ऊपर चढ़ने में ना जान पे आ गया, 3 किलोमीटर चढ़े हम, वो भी इस कपड़े में। इतनी गर्मी लग रही है ना अभी, तो देखो यहाँ पे स्वेट टाइप सा हो रहा है मुझे। क्या बोलते हो उमेश भाई? यस, जान भी आ गया, बट सामने ही है। मैं और उमेश ऑलरेडी एक एक बार गिर चुके हैं एंड उमेश का तो ये ट्राइपॉड भी पूरा निकल गया था। इट्स ओके भाई, बट यही फील है कि भाई सांस फूल गई मेरी तो चढ़ के। मैंने तो यार लिटरली जिंदगी में कभी स्नो नहीं देखा था एंड अभी स्नोफॉल हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, इतना अलग फील है ना ये, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा है। मैं इतनी कंट्रीज वगैरह गया हूँ बाहर, जब भी गया हूँ लाइक इवन इन यूरोप, जापान या कहीं पे भी, तो तब हमेशा समर रहता था या फिर सीजन नहीं होता था, बट ये पहली बार है। आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसी स्नो से बच के रहना जो थोड़ी सी गीली और मतलब ना स्नो है ना पानी है, क्योंकि यहाँ पे है ना स्लिप होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। और एक बार आप यहाँ पे चढ़ गए, ये स्नो जो है ये स्नो मस्त है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं और ऊपर, उमेश सबसे आगे चल रहा है लीड करते हुए, उसके बाद है मनोज, फिर हूँ मैं। बहुत सही फील है एकदम, लाइक अगर जिसने कभी आइस देखी नहीं है एंड विद इन इंडिया अगर आपको आइस देखनी है तो यहाँ ज़रूर आना। बाकी बाहर अगर आप देख रहे हो, लाइक अगर आप यूरोपियन कंट्री में हो कहीं पर, नॉर्थ अमेरिका साइड कहीं पर हो, तो फिर तो आपको आइस मतलब स्नो वगैरह देखने मिलता ही होगा, बट यहाँ का जो फील है उससे कम नहीं है। स्नो मार रहे हैं ये दोनों मुझ पे। अरे यार ये चलता ना, हमेशा ना स्नो से नहीं खेला तो क्या फायदा, ये स्नो मारता है, ये किधर दिखे तो इसको चप्पल से मार, ये किधर चेंबूर वेम्बूर में दिखे तो चप्पल से मारना। अभी फील बता दूँ, अब फील क्या है, एक दो और ये जमा। अबे स्लिप हो रहा हूँ ब्रो, तो मैं थोड़ा सा मतलब इधर अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि जैसे कि मैंने कहा था, मैंने पहले कभी भी स्नो नहीं देखा है एंड यहाँ पे आके लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह की मेहर है, ये भगवान का ना आशीर्वाद है ये स्नो। लाइक आप जब ऐसे हाथ में स्नो ले रहे हो
एंड इतना प्योर है, इसमें प्योरिटी है. एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि यहाँ पे इतने लोग आए होंगे, बट काफ़ी सारे लोग हैं एंड मस्त है एकदम चिल चिल. इधर मतलब आप 5 घंटा बैठ सकते हो आराम से, रिलैक्स हो जाओगे तो टेंशन नहीं लेना है. हाँ, और आपने देखा रहेगा कि मतलब हमने कैप वगैरह कुछ नहीं पहना है, और हम जब अमृतसर में थे तब हम बोल रहे थे कि इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी लग रही है, बट यहाँ पे टेम्परेचर कम है. जमा स्नो के साथ खेलते हुए और भाई मेरे पे स्नो मारते हुए पीर लेख रहे बंदे को, समझ रहे हो. मनोज भाई क्या बोलना चाहोगे आप? आप फिर बोलोगे मुझे वीडियो में लिया नहीं, बोलो आज आपको 5 मिनट बोलना पड़ेगा. बोलो फैंस, हम लोग बारिश कर रहे हैं, बर्फ की देख सकते हो तुम. यार दोस्तों हम अभी जस्ट नीचे आए एंड लिटरली ऐसे नीचे आए ना, हमारी फट गई, पूरा घूम गए थे हम, क्योंकि यूजुअली चढ़ने में तो डिफिकल्टी होती है पर नीचे उतरने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए यूजुअली लोग स्लाइड करते हैं. हमने किया स्लाइड और हम गए घूम. फिर अपना क्लॉक इधर है, क्लॉक वहाँ पे क्लॉ है, तो उसकी वजह से फिर हमने मतलब पूरा घूमे एंड देन फिर नीचे आए. ओके सो दोस्तों आज का ब्लूपर्स, ओके सो दोस्तों आज का वीडियो करना एक और ब्लूपर. ओके सो दोस्तों आज का वीडियो करेंगे हम यहीं पे ख़त्म. हम गए हैं गंदा वाला थक, मुझे पूरे गीले हो चुके हैं स्नो की वजह से, क्योंकि हमने स्लाइड किया था हम एंड हम लाइक लिटरली गिरते गिरते बचे थे एंड बहुत मज़ा आया मुझे. एकदम जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ पे, बट अगर हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे एंड सॉक्स ऑलरेडी गीला है और पैंट भी थोड़ा बहुत गीला हो गया है, तो बोलते हैं ना ठंडी या फिर बीमार होने का चांसेस ज़्यादा है. अर्ली मॉर्निंग में एनर्जी थोड़ी कम थी, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बट अभी एकदम फुल फ्रेश जैसा लग रहा है. थोड़ा सा थका हुआ हूँ बट क्या बोलते हैं, अभी हम जाएंगे वापस से हमारी कार की तरफ और टैक्सी में बैठ के जाएंगे वापस होटल, नहाएंगे, रेस्ट करेंगे गर्म पानी से, मस्त में नहाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे कल वापस दूसरी जगह. मिलते हैं अगले एपिसोड में.